हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम जानेंगे ग्रीस और ऑयल के बारे में, इसका किस किस एप्लीकेशन में कहां कहां यूज होता है। आप देखते होंगे कहीं पर ऑयल का यूज होता है तो उस एप्लीकेशन के लिए वहां ग्रीस नहीं यूज हो सकता है, और कहीं कहीं ग्रीस का यूज होता है जो कि बेटर रिजल्ट देता है। सबसे पहले जानते हैं ग्रीस कैसे बनता है या ऑयल कैसे बनता है। जो ऑयल बनता है दो चीजों से बनता है। पहला क्या है, एक होता है बेस ऑयल और दूसरा होता है उसमें मिला रहता है एडिटिव। बेस ऑयल में एक है मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल, दो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग चीजों से बने रहेंगे और उसमें मिलाया जाता है एडिटिव। वही जो ग्रीस के केस में है, ग्रीस में क्या है, बेस ऑयल पहला हो गया, दूसरा है उसमें थिकनर मिलाया जाता है, और तीसरा क्या है उसमें एडिटिव। अगर हम बात करते हैं जो बेस ऑयल है ग्रीस में, वो 70-90% रहता है, और इसमें रहता है पहला मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल में सॉल्वेंट रिफाइंड टाइप का है, हाइड्रोक्रैक टाइप का है और हाइड्रो ट्रीटेड है। जो हाइड्रोक्रैक है ये थोड़ा प्योरेस्ट फॉर्म है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और इसी बेस ऑयल में एक होता है सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल ये मिलके बना रहता है, सिंथेसाइज रहता है, सिलिकॉन का भी रहता है, इस्टर भी इसमें मिला रहता है, ग्लाइकॉल का भी हो सकता है, पोलिस्टर का भी हो सकता है और बायोल्यूब्स भी हो सकता है। अगर हम बात करते हैं थिकनर का, थिकनर करीब 5-25% तक मिलाया जाता है ग्रीस में एज पर द रिक्वायरमेंट। और ये जो फॉर्म होता है मेटल सॉफ्ट फॉर्म में रहता है, वो चाहे वो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम के फोम टाइप का सॉफ्ट मेंटेन रहता है थिकनर के रूप में, और इसमें मिलाया जाता है 0-10% तक एडिटिव। और ये जो एडिटिव है ये इंप्रूव करता है प्रॉपर्टी को, चाहे वो ऑयल के प्रॉपर्टी या ग्रीस के प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है। इसमें स्ट्रीम प्रेशर के रूप में रहेगा। स्ट्रीम प्रेशर में क्या है कि अगर किसी भी इक्विपमेंट का स्ट्रीम प्रेशर के साथ में कॉन्टेक्ट हो रहा है उस बेयरिंग में, बेयरिंग लोड लेने के लिए स्ट्रीम प्रेशर उसमें जनरेट होता है, तो एक ऐसा एडिटिव मिला दिया जाएगा कि जो ऑयल फिल्म का थिकनेस है वो डिटेरियोरेट ना होने पाए, वो अपने मेंटेन करके रखे उस सर्टन एलिवेटेड टेम्परेचर में, इसलिए उसमें थोड़ा सा एडिटिव मिला जाता है। ये ग्रेफाइट और मोलिब्डेनम के रूप में रहता है। वही ऑयल के केस में ग्रेफाइट जनरली नहीं मिलाया जाता है, वो आपको ग्रीस में ही आपको देखने को मिलेगा। थर्मल स्टेबिलिटी, कभी कभी क्या है कि हर एक टेम्परेचर में जो ग्रीस है वो अपने प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखे, तो थोड़ा सा एडिटिव मिला जाता है कि वो थर्मल स्टेबिलिटी में भी ज्यादा परफॉर्मेंस दे पाए। कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए एडिटिव मिलाया जाता है और एंटी वियर के लिए एडिटिव मिलाए जाते हैं। तो दोस्त, ये था ग्रीस और ऑयल के बारे में जो कि आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं ग्रीस और ऑयल के कंपैरिजन के बारे में। अच्छा, एक चीज समझने वाली बात है, जो थिकनर है, ये थिकनर आपको पता है ये जस्ट लाइक ए स्पॉन्ज का काम करता है। अगर आप एक स्पॉन्ज ले लीजिए और उसको पानी में डिप कर दीजिए, ठीक है, वो क्या करेगा, वाटर स्पॉन्ज में चला जाएगा, ठीक है। आप ऐसे छोड़ देंगे, जनरली उसको प्रेस नहीं करेंगे तो वाटर बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही आप हल्का सा उसको प्रेस करेंगे स्पॉन्ज को, तो वाटर थोड़ा सा बाहर निकलेगा, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वाटर बाहर जाता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ छोड़ देंगे तुरंत वाटर को सोख लेगा, ठीक है। और जब ज्यादा आप प्रेशर लगा देंगे तो ऑयल या जो वाटर है वो बाहर पूरा निकल जाएगा। तो सेम जस्ट लाइक जो थिकनर का काम है ये यही होता है। थिकनर ग्रीस में रहता है तो वो क्या करता है, जो ऑयल को है वो पकड़ के रखता है, एज ए सॉक के रूप में रहता है, स्पॉन्ज टाइप का रहता है। जब प्रेशर बढ़ा वो ऑयल को प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन के लिए जो फिल्म थिकनेस मेंटेन करना है वो मेंटेन करता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है वो इमीडिएट थिकनर में चला जाता है। तो यही एक जस्ट समझने के लिए, जो ग्रीस है वो ऑयल ही है, लेकिन उसको ऑयल को बाहर ना निकलने दे, इसलिए वो एज ए स्पॉन्ज के तरह काम करता है। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ग्रीस ओवर ऑयल। ग्रीस का क्या एडवांटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीस का ये रहता है कि स्टार्ट और स्टॉप में ये बेटर परफॉर्मेंस देता है। कोई भी जब ऑयल है किसी बेयरिंग हाउसिंग में रहता है उसको जनरली क्या किया जाता है कि एक्सटर्नल लुब्रिकेशन सिस्टम लगाया जाता है, और वो आके गियरबॉक्स में हो या बड़े बड़े जनरल बेयरिंग में भी है, फोर्स लुब्रिकेशन या स्प्लेस लुब्रिकेशन से ही
वहां पर उसका लुब्रिकेशन होता है। वो क्या सडन इमीडिएट अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए बाल मिल है उसको चलाना है, तो सबसे पहले क्या करना, आधा घंटा पहले ही लुब्रिकेशन सिस्टम ऑन कर दिया जाता है कि प्रॉपर तरीके से हर जगह ऑयल पहुंच जाए। वही ग्रीस के केस में क्या है, ग्रीस तो ऑलरेडी उसमें अटैच रहेगा, तो स्टॉप और स्टार्ट में उसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहता है। वो जो ऑयल फिल्म का थिकनेस है वो मेंटेन करके रखता है बीयरिंग के इनसाइड में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मान लीजिए कोई सील है डैमेज हो गया है, बीयरिंग हाउसिंग का डैमेज हो गया, तो अगर ग्रीस के केस में क्या है, वो ग्रीस बाहर नहीं निकले पाएगा, वो एज ए सीलेंट का एडिशनल काम कर देगा और कंटेमिनेशन को रोक देगा। वही ऑयल के केस में आप देखते होंगे कि गियरबॉक्स है उसका अगर सील डैमेज हो गया तो क्या होगा, ऑयल बाहर गिर जाता है गियरबॉक्स केस में। वही जो बेयरिंग हाउसिंग होता है बेल्ट कन्वेयर का या हेड ड्रम टेल ड्रम में लगे रहते हैं, ग्रीस टाइप का है, तो ग्रीस सील डैमेज होने के बाद भी बाहर नहीं गिरता है। वही गियरबॉक्स में आप देखते होंगे सील डैमेज हो गया, इनपुट शाफ्ट का सील डैमेज हो गया, आउटपुट शाफ्ट का सील डैमेज हो गया, तो सील जैसे डैमेज होता है ऑयल बाहर गिरना चालू कर देता है, लेकिन वही ग्रीस के केस में नहीं होने पाता है। तो ये सबसे ज्यादा एडवांटेज रहता है ग्रीस का ऑयल पे। तीसरा ग्रीस का यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बताया कि हाउसिंग अगर सील डैमेज हो जाता है वो एज ए सीलेंट का काम करने लगता है, एज ए बैरियर रहता है और कंटेमिनेशन को रोक के रहता है। जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीस का प्रॉपर्टी, ग्रीस इनेबल्स द यूज ऑफ सॉलिड एडिटिव सच एज ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड। तो जो ग्रेफाइट है ये क्या है, जब ऑयल में हम मिलाते हैं एज ए एडिटिव के रूप में, वो ऑयल जब फिल्टर्ड होता है तो क्या करेगा, वो साइज बड़े होने के कारण ग्रेफाइट को ही फिल्टर कर देगा। 5 माइक्रोन से ज्यादा साइज होगा तो क्या करेगा, वो ग्रेफाइट को फिल्टर कर देगा। लेकिन वही ग्रेफाइट जब ग्रीस के साथ में मिला के किसी वीरिंग में लगाया जाता है तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहता है और बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो ये ग्रीस में एज ए एडिटिव के रूप में पाया जा सकता है, वो ऑयल में नहीं हो पाता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं कि ऑयल का क्या एडवांटेज है ओवर ग्रीस। सबसे ज्यादा यही एडवांटेज है कि अगर मान लीजिए कुछ भी बेयरिंग हाउसिंग है जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, वहां ग्रीस लगा हुआ है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 65 है या कभी कभी 85 टेम्परेचर चला गया अगर ग्रीस लुब्रिकेटेड बेयरिंग हाउसिंग है, तो देखते हैं टेम्परेचर वो हमेशा वही मेंटेन रहता है, 95 है तो 95 है, वो कम नहीं होता है। वही जब ऑयल का केस रहता है तो आप देखते होंगे ऑयल में रिसर्कुलेशन सिस्टम लगा हुआ है, ऑयल को बाहर से लुब्रिकेशन सिस्टम लगे होने की वजह से उसको कूल कर लिया जाता है हीट एक्सचेंजर के थ्रू, और फिर जो ठंडा कोल्ड ऑयल है करीब 30 डिग्री सेल्सियस का उसको फिर से फिलअप किया जा सकता है और किया जाता है। तो ऑयल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि जो हीट है उसको रिटेन नहीं होने देता है, जो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है उस टेम्परेचर को भी कंटिन्यू मिनिमाइज करके पॉसिबल हो सकता है ऑयल के केस में। एक सबसे इंपॉर्टेंट है ऑयल का कि इसका स्पीड लिमिटेशन नहीं है। गियर ग्रीस के केस में आप देखते होंगे जब 1500 से ओवर का फैन है, जब 1500 आरपीएम से ज्यादा का आरपीएम जैसे बढ़ता है तो वहां पर यूज होता है ऑयल। एक लिमिटेशन है कि जैसे स्पीड बढ़ेगा, जहां पर 3000 आरपीएम 4000 आरपीएम का अगर कोई भी रोटेटिंग इक्विपमेंट है वहां पर आप देखेंगे ऑयल का ही यूज होता है। तो स्पीड लिमिटेशन ऑयल के केस में नहीं है, वही ग्रीस के केस में है, करीब 1500 आरपीएम तक ही रिकमेंडेड है कि ग्रीस यहां पर प्रॉपर बिहेवियर देगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जो लुब्रिकेशन का प्रॉपर्टी है वो डिटेरियोरेट होगा और जो वेरिंग का फेलोर का चांसेस है वो बढ़ जाता है। एक ऑयल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसमें थिकनर यूज नहीं होता है। थिकनर का कंपेक्टिबिलिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्रीस के केस में। थिकनर अलग अलग डिजाइन का अलग अलग क्वालिटी का होता है, हर एक टेम्परेचर के लिए, हर एक एप्लीकेशन के लिए, कितने लोड के लिए, लो लोड के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए, मीडियम टेम्परेचर के लिए, अलग अलग डिजाइन का ग्रीस का थिकनर रहता है। तो जो थिकनर है ऑयल में तो रहता नहीं है, तो ये जो इनकम्पेक्टिबिलिटी वाला इशू है ये ऑयल के केस में नहीं है, वो ग्रीस के केस में है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल का क्या, कि ऑयल में अगर मान लीजिए कंटेमिनेशन या बेयरिंग का कुछ चिप्स अगर ऑयल में आ जाता है, तो अगर में एक्सटर्नल लुब्रिकेशन सिस्टम लगा है तो वहां पर आप देखेंगे एक फिल्टर लगा रहता है। तो फिल्टर में क्या है, वो जो
कंटेमिनेशन है प्लस जो बीयरिंग का चिप्स है वो क्लीन हो जाता है फिल्टर में, तो फिर से फ्रेश ऑयल बीयरिंग हाउसिंग में आता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑयल के केस में ही पॉसिबल है, वो ग्रीस में पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी वर्टिकल रोलर मिल, एक मेरा एक्सपीरियंस रहा वर्टिकल रोलर मिल का, हमेशा 2 साल में इतने बड़े रोलर का बीयरिंग डैमेज हो जाता था। हर 15 दिन महीने में हमको अलग से हमेशा ग्रीसिंग करना पड़ता था। मिल के इनसाइड में हमेशा आप जानते हैं 250 से 300 तक का टेम्परेचर आता है, 250-300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आता है। वो टेम्परेचर में उस विस्कोसिटी को मेंटेन करके रखा जाए, डस्ट पार्टिकल एंट्री करने का भी चांसेस रहता था, तो इसलिए वो लाइफ 2 साल से ज्यादा मिलता नहीं था। लेकिन वही जब से ये ग्रीस लुब्रिकेशन को हटा के ऑयल लुब्रिकेशन का यूज होने चालू हुआ, तो आप देखते होंगे वही बीयरिंग का लाइफ करीब 8-9 साल तक मिलने लगा। सेम मिल का जो लाइफ था जो हमारे समय में 2 साल मिलता था, वही 8-9 साल हो गया, वो बीयरिंग अभी तक डैमेज नहीं हुआ। क्या ऑयल का रिसर्कुलेशन सिस्टम लग गया, ऑयल अंदर जाता है फिर बाहर निकल के आता है, फिर वो फिल्टर होता है, कूल होता है, फिर से ऑयल इनसाइड में जाता है। इससे क्या है कि ऑयल अपने प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकता है, जो ऑयल और जो केमिकल डिग्रेडेशन जल्दी होता था वही डिग्रेडेशन अब आराम से 7-8 साल तक का भी लाइफ कोई कोई ऑयल देता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ऑयल के केस में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसमें लगा रहता है ऑयल लेवल गेज। ऑयल गेज से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे डिपेंडेंट ऑयल का गेज क्या होगा। और एक बार ऑयल फिलअप कर दिया जाता है, खाली गेज आप देखते रहिए, अगर लेवल थोड़ा सा कम हुआ तो आप उसको टॉप अप कर दीजिए। आप ग्रीस के केस में ऑयल गेज का आप देखेंगे नहीं, पता ही नहीं चलता है कि ग्रीस कम हो गया कि ज्यादा हो गया। आप एक सर्टेन इंटरवल पे देखा जाता है कि 15 दिन में 1 महीने में उस बीयरिंग हाउसिंग का ग्रीसिंग कर दे भैया, नहीं तो इंटरनल में ग्रीस खत्म हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टी डिटेरियोरेट हो जाएगा, तो बीयरिंग डैमेज होने का चांस रहता है। वही ऑयल केस में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑयल लेवल से ही उसका मेंटेन करके रखा जाता है। किसी भी इक्विपमेंट को गियरबॉक्स है उसमें देखें ऑयल गेज लगा रहेगा, या जितने हाई स्पीड फैंस है या कूलर फैन आप देखते होंगे 3-4 हाई स्पीड फैन लगे रहते हैं, या जितने भी प्रोसेस फैन है वहां पर ऑयल टाइप का ही बीयरिंग हाउसिंग आपका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, वहां पर ऑयल गेज आपको देखने को मिलेगा। तो ऑयल गेज हमेशा मेंटेन रहेगा, हर एक साल 2 साल में ही ऑयल को ही आप देखते होंगे, तब तक यूज रहता है अगर कोई भी लीकेज ना हो। ऑयल का लीकेज तभी होगा जब सील डैमेज होगा, तो सील का इंपॉर्टेंस भी है, आगे चल के हम बताएंगे सील का इंपॉर्टेंस कितना होता है, इसके बारे में भी आपको वीडियो बता के बताएंगे। ऑयल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमको लुब्रिकेशन सिस्टम चेंज करना है, कोई सम्प है ऑयल चेंज करना है, बस जस्ट ड्रेन को खोला, ऑयल पूरा बाहर पूरे सिस्टम में फिर से एक बार फ्लशिंग कर दिया सिस्टम को, ऑयल डाल के और फिर से सिस्टम को यूज कर लिया, इसमें क्या है हमको कोई भी पार्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ता, खाली ड्रेन प्लग को खोलना है। वही ग्रीस के केस में आप देखेंगे अगर कुछ कंटामिनेशन चला जाता है किसी हाउसिंग में, तो ग्रीस को क्लीन करना कितना इम्पॉसिबल हो जाता है और बहुत ही टाइम लगता है, और इतना बढ़िया से फिर से दोबारा ग्रीस को क्लीन करके नहीं बीयरिंग को लगा सकते हैं आप। कुछ न कुछ पार्ट कंटेमिनेशन के या ग्रीस का पार्ट उसमें रह ही जाता है, कितना भी आप धो के लगाइए। लेकिन वही ऑयल के केस में क्या है कि आराम से ड्रेन प्लग खोल के पूरे सिस्टम को साफ करके, जितना कंटेमिनेशन साफ करके उसको फिर से यूज किया जा सकता है। ऑयल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और है, ऑयल का एनालिसिस बहुत ही आसानी तरीके से हो सकता है। आप देखते होंगे कि एक वाल्व लगा दिया गया, वाल्व को खोल के सैंपल ले लिया, सैंपल लेके उसका एनालिसिस कर लिया, इससे पता चल जाएगा ऑयल का जो केमिकल कोई डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा, उसमें प्रॉपर्टी में कुछ डिटेरियोरेशन तो नहीं है, कुछ वाटर पार्टिकल तो नहीं घुस गया है, तो इसका एनालिसिस बहुत आसानी हो जाता है। लेकिन वही ग्रीस के केस में उसका सैंपल लेना बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, फिर हाउसिंग को खोलो फिर उसका सैंपल लो, ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। ऑयल केस में ऑयल के एनालिसिस बहुत आसानी से हो जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज है, ऑयल को हैंडल करना ग्रीस के मुकाबले ज्यादा आसान है। ग्रीस कहीं भी लगा रहता है, एक तो उसको निकालना, उसको हैंडलिंग करना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, लैंड कंटामिनेशन का चांसेस सबसे ज्यादा ग्रीस में रहता है, वही ऑयल के केस में नहीं रहता है। तो ऑयल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ऑयल का भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रीस का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए आप
80% सबसे ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है, ग्रीस यूज हो रहा है। जितने भी बेल्ट कन्वेयर हैं, जनरली ऑयल का यूज आप देखते होंगे गियर बॉक्सेस में यूज होता है, लेकिन जितने भी बीयरिंग हाउसिंग है और लो टेम्परेचर एरियाज हैं, लो टेम्परेचर जहां पर एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर लो है, स्पीड लो है, तो वहां जनरली क्या आप ग्रीसी यूज करते हैं, उसका भी यूज होता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।